हम लोग कस्टम एक्सेप्शंस देखेंगे कि कैसे हम खुद का एक्सेप्शंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ये जावा खुद बना करके देती है, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके। ऐसे ही हम लोगों ने लास्ट टाइम पे और भी देखे थे, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शंस था जिसमें ऑलरेडी जावा बना के देती है, जिसमें एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके बनाया गया है। और अरिथमेटिक एक्सेप्शंस ये भी सर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके बनाई गई है। वैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि यूजर डिफाइन एक्सेप्शन अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो एक जावा की क्लास ले लेते हैं, यहाँ पे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होगी सर? स्क्रीन शेयर तो ओके, तो यहाँ से हम बना रहे हैं क्या, एक क्लास बना रहे हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस का। और इसमें कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें थ्रो एक हमारे पास कीवर्ड होता है, थ्रो कीवर्ड के थ्रू हम यूज करेंगे। लास्ट टाइम जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, इसको अगर हम देखें तो कस्टम एक्सेप्शन अगर हमें बनाना है तो जिस नाम से हमें एक्सेप्शन क्लास बनानी होगी वो हम यहाँ पे क्लास का नाम देंगे, बाकी ये इनहेरिट करेंगे एक्सेप्शन को। इस एक्सेप्शन क्लास को हम इनहेरिट करेंगे और उसके बाद इसमें फंक्शंस अगर हमें बनाना रहेगा तो हम फंक्शंस को बनाएंगे। ये आपका सुपर कंस्ट्रक्टर होता है जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो इनहेरिट की गई है एक्सेप्शन क्लास, इसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने का काम करेगा सुपर कंस्ट्रक्टर। तो सुपर कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज। इसमें देखिए, अगर हमें कभी भी अगर हमें यूज कोई भी अपना एक्सेप्शन बनाना होगा तो पहले हम क्लास का नाम देंगे और उसके बाद इनहेरिट करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास को, जिसमें हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास का नेम और फंक्शन का नाम सेम है और इसमें रिटर्न टाइप कुछ नहीं दिया गया है। रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। हाँ, रिटर्न टाइप अगर हमने यहाँ पे दिया होता, वाइड दिया है या कुछ और दिया होता, तब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन न हो करके एक नॉर्मल फंक्शन हो जाता। और यहाँ पे इसमें एक स्ट्रिंग पैरामीटर लिया गया, ये पैरामीटराइज स्ट्रिंग हो जाए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, जिसमें सुपर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज किया गया है जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेगा, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेगा। जब भी हम बनाएंगे यूजर डिफाइन तो कुछ इस तरीके से करेंगे, हमें प्रिपरेशन ऐसे करने पड़ेगी। बाकी आपको एक जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए एक क्लास बनाई गई है जिसका क्लास है कस्टम एक्सेप्शन। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इसमें हम लोगों ने एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाई है और इसमें एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके बनाया गया है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया गया है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है। बट ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट कब इंस्टेंशिएट होगा, जब यहाँ पे हमारे पास वो पर्टिकुलर इवेंट अकर होगा, या फिर कह सकते हैं जब वो कंडीशन अकर होगी। तो यहाँ पे एक, हाँ एक यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्लास बनाई है जिस क्लास में एक स्टैटिक टाइप का फंक्शन बनाया गया है, जिसका फंक्शन वैलिडेट नाम का फंक्शन है। और ये क्या करेगा, एज को एक्सेप्ट करेगा और एज एक्सेप्ट करेगा और एज को चेक करेगा। अगर एज हमारा 18 से बिलो है तो ये हमारा इसके अंदर का कोड का मतलब ये है कि थ्रो करेगा
किसको थ्रो करेगा? इनवैलिड एज एक्सेप्शंस को। इनवैलिड एज एक्सेप्शन हमारा क्या है? एक क्लास है, जो क्लास ऑलरेडी ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, इनवैलिड एज एक्सेप्शंस। इस इनवैलिड एज एक्सेप्शंस में क्या है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया गया है एक्सेप्शन क्लास को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनवैलिड एज एक्सेप्शंस जैसे थ्रो करेगा ये एक्सेप्शन, तो ये आपको कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, इनवैलिड एज एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, जिसमें क्या किया गया है, ये पास किया गया है मैसेज, ये डिफॉल्ट मैसेज है। तो ये तब होगा जब हमारा क्या होगा, एज हमारा 18 से बिलो होगा देन। वैसे यहाँ पे हम लोग इसको जब रन कराएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे ट्राई कैच में, ट्राई कैच, ट्राई के अंदर हम वैलिडेट फंक्शन को कॉल करेंगे और ये वैलिडेट फंक्शन हमारा स्टैटिक टाइप का है। यहाँ पे वैलिडेट फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे, ये हमने स्टैटिक फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। सॉरी राहुल, इसमें वैलिडेट का यहाँ पे करेंगे वैलिडेट एज, और ये वैलिडेट एज हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, वैलिडेट एज हमारा एक फंक्शन है। इस फंक्शंस, इस फंक्शंस को हमने यहाँ से कॉल किया है, यहाँ से जब टेस्ट फंक्शन के अंदर वैलिडेट, अगर इस वैलिडेट फंक्शन में अगर कोई एरर आएगी तो ये कैच को ट्रांसफर कर देगा एरर, और ये यूजर डिफाइन मैसेज यहाँ पे आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। सिस्टम वाला अगर एक्सेप्शन जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया गया है उसको प्रिंट कराना होगा तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर हमें यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस अगर हमें बनाना होता है तो इसमें मेन आपका होता है थ्रो करना, थ्रो करेंगे तभी आपका, थ्रोज एक अलग होता है और थ्रो हमारा एक अलग होता है। थ्रोज कीवर्ड अलग है और थ्रो कीवर्ड अलग है। थ्रो कीवर्ड क्या करता है कि कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे थ्रोज जो दिया जाता है ये बाईपास करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग को, दैट मीन्स जो भी एरर आएगा ये ट्रांसफर कर देगा इस पर्टिकुलर क्लास को। अगर हमारे पास कोई भी एरर आएगी उस एरर को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इस पर्टिकुलर क्लास को। ये कब करेगा, जब ये एक्सेप्शन जनरेट होगा तब। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो सही से समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग इसी सेम, इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इतना करना पड़े। जैसे अगर हमें इनवैलिड एज एक्सेप्शन बनाना है तो एक क्लास हम बना लेते हैं, क्लास में हमने यहाँ पे एक नई, हाँ यूजर डिफाइन एक क्लास बनाई है, तो यहीं पे चाहे तो हम एक और बना लेते हैं, क्लास, क्लास का नेम इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्शन फंक्शन को यूजर डिफाइन करना है तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास को। अब इसमें जो हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन जो दिया गया है, इस फंक्शंस को आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको यहीं पे इनवैलिडेट करा सकते हो, यहीं पे हमारे पास मतलब सर सुपर कंस्ट्रक्टर की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं स्टैटिक वॉइड से। हाँ, यहीं से डायरेक्ट आप कर सकते हो अगर आपको सुपर कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करना है तो। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको थ्रो कराने की बजाय क्या करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट हम लिखेंगे,
स्टैटिक फंक्शंस अगर आपको लगाना तो स्टैटिक फंक्शन लगाइए, अगर नॉर्मल नॉन स्टैटिक फंक्शन लगाना है तो नॉन स्टैटिक फंक्शंस भी लगा सकते हैं। नॉन स्टैटिक से एक बार करके दिखा दिए, नॉन स्टैटिक से। ओके तो यहाँ पे जब हम न्यू एक्सेप्शन जनरेट कराएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे हमें बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, तब तो होगा बिल्कुल। और ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे, इसमें क्योंकि यहाँ पे जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर को ये इनिशियलाइज करेगा, बट ये जो एरर जनरेट होगी ना ये चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट करता है, मतलब या तो इसको ट्राई कैच में, या तो इसको ट्राई कैच में पास करो, या तो इसको ट्राई कैच में पास करो तब जा करके बात बनेगी, या तो आप थ्रोज कराओ। थ्रोज कराएंगे तो फिर ये क्या करेगा, इस पेरेंट क्लास को हैंडल करने के लिए भेज देगा, तो यहाँ पे आएगा फिर ये मैनेज करेगा पेरेंट क्लास। थ्रोज का मतलब है ये जो इनहेरिट की गई है क्लास, अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि इसको मैनेज करना, किस तरीके से मैनेज करना है। कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसमें अगर हमें एक ही में बनाना है तो आप इसी में ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बना सकते हो, या फिर आप ऐसे सेपरेट बनाना है तो आप सेपरेट पहले एक अलग से क्लास बना लो जिसमें इनहेरिट करके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करो, देन उसके बाद उस क्लास को किसी सेकेंड क्लास में फिर से उसको यूज करो, या तो ये चीजें एक लाइन में भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या होगा, एक इनवैलिड एज एक्सेप्शन बन जाएगा। अब इसको हमें टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब ये नॉन स्टैटिक है तो इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, तभी हम वैलिडेट फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। और यहाँ पे हम वैलिडेट एज एक्सेप्शन, इसमें देखिए एक चीज और है, अगर हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं है तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एरर देगा, तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आप क्लास का नाम लिखिए और उसके बाद यहाँ पे कर्ली छोटा ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये कुछ इस तरीके से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करेंगे, बना सकते हैं बिल्कुल सर। तो पैरामीटराइज बनाया गया तो डिफॉल्ट भी बनाना पड़ेगा, वो बीजे डॉट और वैलिडेट एज है तो वैलिडेट एज को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब इसमें एक पैरामीटर पास किया गया है एज का, एज अगर हमारा 23 है 33 है जो भी आपको देना है यहाँ से। अब इसमें देखिए थ्रोज का किया गया ना, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इसमें एज एक्सेप्शन ये चेक्ड एक्सेप्शन टाइप का है, इसमें ट्राई कैच हमें लगाना पड़ेगा, तो इसको जैसे ही हम ट्राई कैच लगाएंगे फिर ये जा करके एरर रिजॉल्व होगी ट्राई कैच, और या तो हम पेरेंट क्लास लगाएं एक्सेप्शन को कुछ इस तरीके से, क्योंकि पेरेंट क्लास कैन हैंडल द चाइल्ड क्लास, तो आप ऐसे लगाइए या तो फिर आप इनवैलिड एज एक्सेप्शन को यहाँ पे लगाइए, यहाँ पर सर। हाँ दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये चेक्ड एक्सेप्शन है ना, तो चेक्ड एक्सेप्शन आपको जनरेट करेगा, तो ये फंक्शन जब चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट करेगा तो आपको कंपलसरी हो जाएगा कि आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। बिल्कुल तो यहाँ पे हमारे पास ये जो थ्रो है
ये एक्सेप्शन जनरेट करने का काम करेगा, और ये जो है बाईपास कर रहा है कि हम यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लगाएंगे, और ये मैनेज कौन करेगा, ये मैनेज करेगा एक्सेप्शन क्लास। तो यूजर डिफाइन अगर हम बात करें यूजर डिफाइन फंक्शंस की, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास की, तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास ये हमारी हो गई, और इसमें ये हमारा फंक्शन जो है वैलिडेट, ये चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट करेगा, जिसके लिए हमें ट्राई कैच यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा जहाँ पे हम वैलिडेट को कॉल करेंगे। और यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट कब होगा, एक्सेप्शन जनरेट करने का काम ये करेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ पे। तो इसमें अगर हम यहाँ पे रन कराएंगे तो इसमें से अगर ये 18 के बिलो होगा तो ये वाला मैसेज हमें मिलेगा, और 18 के अबव होगा तो ये वाला मैसेज मिलेगा। तो डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन अगर हमें बनाना है तो 3 क्लास में बनाइए या 2 क्लास में ही बना सकते हैं। देखिए अभी आपका वेलकम टू ए वोट दिखा रहा है, अगर यही चीजें हमने यहाँ पे 3 दिया होता देन रन कराया होता तो आपका ये एज नॉट वैलिड एक्सेप्शन बताएगा यहाँ पे आउटपुट में। एक बार रन करते हैं फिर से ट्राई कैच एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस में हमने यहाँ पे एक्सेप्शन को प्रिंट नहीं कराया, देखिए तो यहाँ पे आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, या तो इनवैलिड एज करिए या फिर यहाँ पे कस्टम देना है आपको तो वो कस्टम वाला एरर दे सकते हो, और अगर प्री डिफाइन वाला अगर आपको देना है तो इसी में ई एक्स को प्रिंट करा दीजिए, तो फिर ये ई एक्स का मतलब ये जो आपका प्री डिफाइन वाला है वो आपका प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए ये कस्टम वाला आपका हो जाएगा, और यहाँ पे एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन सा आ रहा, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एक्सेप्शन एज इज नॉट वैलिड टू वोट, तो ये फिक्स हो गया प्री डिफाइन वाला। और हमारे पास कौन सी क्लास, क्लास ने एक्सेप्शन जनरेट किया है, ये क्लास हमारी एक्सेप्शन जनरेट किया कर रखी है। तो आपको कोई भी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाना रहेगा तो आपको थ्रो कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, विदाउट थ्रो कीवर्ड के हम नहीं कर पाएंगे। ये थ्रोज का अगर हमें यूज करना है तो हम देखते हैं थ्रोज वैसे भी यूज कर सकते थे, जहाँ पे अभी हमने ट्राई कैच यूज किया है चेक्ड एक्सेप्शन में, वहां पे हम थ्रोज का यूज कर सकते हैं। अगर हमें याद हो पुराने क्लासेस में हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर में यहाँ पे यूज लिया था, तो लास्ट सेशन में हमने किया था इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के लिए ट्राई कैच इस्तेमाल किया था, जिसमें आयो एक्सेप्शन दिया गया है, और इस एक्सेप्शंस के लिए हमें ट्राई कैच लगाना कंपलसरी होता है। देखिए अगर मैं यहाँ से ट्राई कैच अगर मैं हटा देता हूँ, ट्राई कैच अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये एरर आने लगेगा। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे थ्रो भी कर सकते हो, यहाँ पे थ्रो भी कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप थ्रोज आयो एक्सेप्शंस। अब यहाँ पे देखिए आपके एरर रिजॉल्व हो जाएगी, इसका कहने का मतलब यह है कि हमने यहाँ पे हम एरर को रिजॉल्व नहीं करेंगे, ट्राई कैच नहीं लगाएंगे, हम पास कर दे रहे हैं किसको, इस क्लास को। अब ये क्लास अपना मैनेज करे, हैंडल करे। तो चेक्ड एक्सेप्शन में जहां पे ट्राई कैच लगाना कंपलसरी होता है, अगर हम ट्राई कैच नहीं लगाना चाहते हैं तो हम थ्रोज कर सकते हैं, और ये आपका आप समझिए कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, या तो आप खुद इसको हैंडल करिए ट्राई कैच के थ्रू, या तो वही है कि आप उस क्लास को ट्रांसफर कर दो, भैया ये तुम समझो अपना ट्राई कैच लगाते हो नहीं लगाते हो वो तुम जानो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। आपको है ना
बाईपास कर रहा हूँ। हाँ, ये पूरा का पूरा बाईपास कर दिया। यहाँ पे अगर हमने खुद लगा दिया ट्राई कैच, चलो तो यहाँ पे हमने खुद ही हैंडल कर लिया कि अच्छा ये एक एरर आएगी तो ये मैसेज आएगा। अगर हम नहीं देना चाहते हैं मैसेज यहीं पे, हम चाहते हैं कि अब ये अपने से खुद से हैंडल करें, तो हम यहाँ ये वाली क्लास कहीं ना कहीं बनाई गई है, तो इसके पास भी तो कुछ ना कुछ दिया गया होगा ना, थ्रो न्यू एक्सेप्शन किया गया होगा, मतलब कुछ तो, मतलब एक प्रिंट प्रिंट करा के कुछ तो मैसेज तो दिया होगा। हाँ, इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ बनाया गया होगा ना, तो अब ये हम खुद यहाँ पे मैनेज करने की बजाय हमने बाईपास कर दिया इसके पास। अब इसके पास जो भी बाई डिफॉल्ट मैसेज होगा वो हमें मिल जाएगा रन टाइम पे। वैसे सेम यहाँ पे भी किया गया है, यहाँ पे ट्राई कैच ना यूज करके थ्रोज कर दिया गया है कि इनवैलिड एज एक्सेप्शंस अब अपना खुद समझे, और इनवैलिड एज एक्सेप्शंस में क्या किया गया है, ये खुद ही क्या करा है कि पेरेंट क्लास को बाईपास कर दिया है सुपर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मतलब ये वाली क्लास ने क्या किया, इनडायरेक्टली तौर पे एक्सेप्शन क्लास को हैंडओवर कर दिया कि तुम समझो कैसे एरर का आउट हैंडल करना है, इस एरर को कैसे हैंडल करना है, और ये मैसेज को ले जा करके हमने क्या कर दिया, यहाँ से कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया, तो जो इसको कंस्ट्रक्टर में मिलेगा वही मैसेज आपको डिलीवर कर देगा। तो ट्राई कैच हम यहाँ पे देखिए, जो चेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं वो चेक्ड एक्सेप्शंस, अब ये हमारी एक्सेप्शन क्लास ही है, तो हम यहाँ पे ट्राई कैच क्यों लगाए, अगर हमने एक्सेप्शन ऑलरेडी बना रखा है तो हम ट्राई कैच यहाँ नहीं लगाएंगे। ट्राई कैच तो हम वहां लगाएंगे जहां से हमें कॉल करेंगे फंक्शन को। इसीलिए यहाँ पे इसको थ्रोज कर दिया गया है, बाईपास कर दिया गया है यहाँ से इस क्लास को, और ये क्लास किसको बाईपास कर दिया है, एक्सेप्शन क्लास को, एक्सेप्शन को सर। तो यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन हमारा जो है, इसको अगर हम यहाँ से, अगर हम यहीं पे कर देते, यहाँ से थ्रोज नहीं करते, तो हमें इसको ट्राई कैच के अंदर डालना पड़ता, और यहाँ पे अगर हम ये ट्राई कैच लगा देते तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर यहाँ पे जब हमारा खुद ही ये ट्राई कैच कर, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट कर ही रहा है, एक्सेप्शन ही ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, इसको हम अगर यहीं पे हैंडल कर लेंगे तो फिर यहाँ पे भी ये ट्राई कैच हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, मतलब सर दोनों तरीके हैं सर। हाँ, थ्रो से क्या होता है सर, हम एक स्टेप हम कम कर जाते हैं। हाँ, अगर हमने थ्रोज कर दिया है तो ये क्या करेगा, सीधे सीधे पेरेंट को बाईपास कर देगा कि तुम इसको हैंडल करो, हम यहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्राई कैच मोस्टली हम कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ना। देखिए अब ये ट्राई कैच, अब इसके पास ये वाला एक्सेप्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमने यहीं पे जब हैंडल कर दिया तो वो एक्सेप्शन तो क्रिएट ही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे ये वाले ट्राई कैच हमें कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, तो हमें ये थ्रोज लगाना पड़ेगा और थ्रो लगाना पड़ेगा, और थ्रो लगाएंगे तो हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा पेरेंट क्लास के एक्सेप्शन को। यस सर, बिल्कुल थ्रोज करेंगे और ये पेरेंट क्लास को एक्सेप्शंस पे जाएगा, देन ये मैनेज करेगा यहाँ से, देन हम ट्राई कैच यहाँ पे इसको यूज करेंगे। अगर हम ट्राई कैच यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे भी एरर आएगा, ये एरर शो करेगा सर। हाँ, यहाँ पे देखिए ये वैलिडेट वाले पे एरर शो करेगा। अब इसके लिए भी वही है कि आप यहाँ पे क्या करिए, इसको भी थ्रोज करिए, या तो अगर आप यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लगाना चाहते हो तो थ्रोज करिए इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, देखिए अब ये हमारी एरर रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब इसका मतलब यह है कि ये जो एरर इसमें आने वाली है उसको हमने क्या कर दिया, थ्रोज कर दिया, बाईपास कर दिया किसको, इनवैलिड एज एक्सेप्शंस को, और इनवैलिड एज एक्सेप्शन क्या करेगा, इसको बाईपास कर देगा, फिर ये फाइनली अपना मैनेज करेगा। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ न जावा ने तो बना रखा होगा, क्योंकि जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस बनाई गई हैं वो सारी की सारी
इसी एक्सेप्शन क्लास का यूज करके बनाया गया है। अब वो चाहे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हो या फिर आपका आयो एक्सेप्शन हो सर, या फिर आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि जो भी क्लासेस है, चाहे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन या अर्थमेटिक एक्सेप्शन या आयो एक्सेप्शन या फिर इनवैलिड एज एक्सेप्शन, सारी क्लासेस एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके बनाई गई है। यहाँ पे ये हमने खुद इनहेरिट करके बनाया है थ्रोज करके, और बाकी ये वाली जो क्लासेस है आयो एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच, अरिथमेटिक, ये सारी क्लासेस ऑलरेडी जावा ने बना करके दिया है। हाँ, ये प्रीडिफाइंड है, बट ये वाले एक्सेप्शन भी एक्सेप्शन क्लास को ही इनहेरिट करके बनाई गई है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछते हैं या फिर कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है। थ्रो का मतलब ये हो गया कि हम अगर कस्टम एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं तब थ्रो का यूज करेंगे, और अगर हम थ्रोज का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम खुद ट्राई कैच न लगा करके खुद एक्सेप्शन सेम क्लास में एक्सेप्शन को हैंडल करने की बजाय हम उसको पेरेंट क्लास को बाईपास कर देते हैं कि वहां पे ये एक्सेप्शन हैंडल किया जाएगा। तो थ्रोज का मतलब है दैट वन इज द बाईपासिंग पेरेंट क्लास टू हैंडल द एक्सेप्शंस।